भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जावड़ेकर पत्रकारों से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि अमित शाह की आज जाधवपुर में रैली थी, भाजपा ने अनुमति के लिए आवेदन में 4 से 5 दिन पहले किया था, लेकिन बंगाल सरकार ने अनुमति देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि ममता बनर्जी को अब सीआरपीएफ के जवानों में भी आरएसएस के कार्यकर्ता नजर आते हैं। ममता इतनी बौखला गई है कि ममता को अब सीआरपीएफ के जवानों में भी आरएसएस के स्वयंसेवक ही नजर आने लगे। उनका कहना है कि आरएसएस के स्वयंसेवक सीआरपीएफ के भेष में आते हैं। सीआरपीएफ है, लेकिन अगर सीआरपीएफ तो वो जब जनता के चेहरे देखेगी, मुझे याद आ रहा है जिस दिन उसने गाड़ी से जाते हुए लोग जब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे तब वो उतर गई और लोगों को कोसा। तो ये इस तरह से बौखलाहट की यही निशानी होती है, लेकिन वो समझ नहीं रही है कि पूरी जनता ही, बंगाल ही बदल चुका है।